ये हमारा स्टॉक ऑन बज रहा है। अब इसको मैं करूँगा दूसरी साइड पे और एंड इट इज वेरी 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 लाउड। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द DIY जुगाड़, और मेरा नाम है वैभव। सो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक टाइप का होने वाला है। सो आज के वीडियो में मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये हॉर्न, और इस हॉर्न को आपने कभी यूज होते देखा भी नहीं होगा। मैं जस्ट लास्ट टाइम मार्केट गया था तो मैंने देखा और मैं ये ले आया। सो बेसिकली ये डॉग हॉर्न है, ये कुत्ते की आवाज निकालता है। तो इसके बाद जाके मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ फिट करके, और इसको मैं आज फिट करूंगा अपने एक्टिवा में। और इस वीडियो को सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए लगा रहा हूँ। सो इसकी मैं परमानेंट फिटिंग नहीं करूंगा, जैसे इसको टेम्परेरीली फिट करूंगा और आपको बता दूंगा अगर आप इसको परमानेंटली फिट करना चाहते हैं तो कैसे करें। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हॉर्न बहुत ज्यादा लाउड है, सो आप इसको जगह और टाइम देख के यूज कीजिए। और मैं इस हॉर्न की फिटिंग इस तरह से करूंगा कि मेरा स्टॉक हॉर्न भी चले जो सिंपल हॉर्न होता है और ये भी चले। तो उसके लिए हमें एक टॉगल स्विच चाहिए होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पॉइंट स्विच है, और एक चाहिए होगी हमें 4 पिन रिले। और आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये रिले क्यों यूज कर रहे हो। तो ये हॉर्न थोड़ा बड़ा है और काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। सो इंटरनल वायरिंग से ये उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो वायरिंग ज्यादा गर्म होगी और ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा और फ्यूज होने का भी डर है। सो इसलिए मैं रिले यूज कर रहा हूँ। और अगर आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो ना मिस करें मेरे चैनल से। सो सबसे पहले देखते हैं इसका वायरिंग डायग्राम। सो लेट्स गो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आज की हमारी वीडियो का वायरिंग डायग्राम है। ये हमारी स्टॉक हॉर्न की वायर्स हैं बेसिकली, जो इंटरनल वायरिंग में से आ रही हैं। ये टॉगल स्विच, ये स्टॉक हॉर्न, ये डॉग हॉर्न, ये हमारी हॉर्न रिले, और ये ग्राउंड कोई भी बेयर मेटल का पॉइंट। सो बेसिकली जो हमारी स्टॉक हॉर्न की पॉजिटिव वाली वायर है, एक्टिवा के केस में वो लाइट ग्रीन है, उसको लेना है हमें और दे देना है हमारे टॉगल स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में। सो यहाँ से हमें स्टॉक हॉर्न की एक वायर दे देनी है इधर, और जो दूसरी वाली वायर थी वो स्टॉक हॉर्न के हम दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे एज यू कैन सी। सो अब हमें अपनी टॉगल स्विच की दूसरी वाली साइड से एक वायर लेनी है और वो हम दे देंगे 85 या 86 वाले पॉइंट में। मेरे केस में मैं 85 पे दे रहा हूँ, और दूसरा वाला जो 86 वाला पॉइंट है उसको हम कर देंगे ग्राउंड किसी भी बेयर मेटल पे। और अब हमें अपनी बैटरी से, यहाँ पे मैंने बैटरी मेंशन करना भूल गया था पहले, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें एक वायर लेनी है और वो 30 वाले पॉइंट पे लगा देनी है। और ये रिले के आपको पॉइंट्स याद रख लीजिए, या प्रॉन्ग्स की पोजीशंस ऐसे होंगी। सो अब हमें 87 वाले पॉइंट से एक वायर चल जाएगी हमारी डॉग हॉर्न पे, और हॉर्न के जो ब्लैक वाली वायर है उसको हम कर देंगे ग्राउंड। सो ये हमारा, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं इसको इंस्टॉल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक्टिवा है। सो हॉर्न को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें नोज खोलना होगा। नोज खोलने के लिए एज यूजुअल 4 स्क्रूज 1, 2, 3 एंड 4 खोलने होंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, और मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर की बड़ी बैटरी में इंस्टॉल की हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में देख सकते हैं। सो फिटिंग क्या आएगी आपको दिक्कत अगर आपकी बैटरी बड़ी लगी हुई है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इधर यहाँ पे कनेक्टर के साथ एक पत्ती लगी होती है। सो आप इसको ऐसे डालें और एक आप वेल्टर से बाहर से पत्ती बनवा के थोड़ा इसको बेंड करके इसके साथ लगा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इसको टेम्परेरीली फिट कर रहा हूँ, परमानेंटली नहीं। सो मैंने एक और जुगाड़ ढूंढा। इसको मैं इसको यहाँ पे फंसाऊंगा, ये बिल्कुल टाइट कर दूंगा इसको यहाँ से, और इसके ऊपर से नोज को कर दूंगा पैक। सो पहले करते हैं इसके कनेक्शंस, फिर इसको लगाएंगे अंदर। सबसे पहले तो हमें अपने स्टॉक हॉर्न के साथ जो कनेक्टर है उनको दोनों को निकाल लेना है। इसमें से जो हमारा लाइट ग्रीन वाला है वो पॉजिटिव है, डार्क ग्रीन वाला नेगेटिव है। ये मैंने मल्टीमीटर लगा के चेक किया है, अगर आपने मल्टीमीटर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। सो अब हमें एक ऐसा सा कनेक्टर लेना है, आप चाहें तो आप इसको वायर को इसके साथ थिम्बल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से पॉजिटिव लेंगे अपने स्टॉक हॉर्न वाले से। सो लाइट ग्रीन वाले में मैं इसको लगा दूंगा और इसको अच्छे से कर देंगे टाइट। और अब हमें अपना जो टॉगल स्विच है उसके सेंटर वाले पॉइंट में इस वायर को करना है अटैच। सो गाइस इसको मैंने कनेक्ट कर दिया टॉगल स्विच के सेंटर वाले पे। अब हमें 2 वायर्स लेनी है अलग अलग, जिनके वन साइड पे थिम्बल अटैच है और दूसरी साइड पे नहीं है, और ये दोनों जाएंगी एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। सो फटाफट इसको करता हूँ कनेक्ट। तो इन 2 वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हमें एक वायर को लगा देना है हॉर्न के एक पॉइंट में, और जो हॉर्न की दूसरी वायर थी हम उसको वहीं पे लगा देंगे दोबारा वापस। सो इसके बाद हमें अपनी हॉर्न रिले लेनी है, और जैसा कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया है, आप इसको इस वाली वायर को लगाइए 85 या 86 वाले पॉइंट में, लाइक दिस। सो अब हमें एक और पीस ऑफ वायर लेना है जिसके वन साइड पे थिम्बल अटैच्ड है, और ये हमारी जाएगी, एक साइड जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरी जाएगी रिले के 30 वाले पॉइंट पे। सो इसको लगा देते हैं रिले के 30 पे, और इस वायर को दूसरे एंड को हम कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट। सो अब हमें अपना हॉर्न लेना है और इसकी रेड वाली वायर को कर देंगे एक थिम्बल वाली वायर के साथ एक्सटेंड, और दूसरी वाली को रख देंगे एज इट इज़। सो ये जो हमारा हॉर्न का पॉजिटिव है ये चल जाएगा हमारे 87 वाले पॉइंट में, लाइक दिस। और अब हमें एक और वायर लेनी है जिसकी साइड पे थिम्बल है और उसको लगा देंगे रिले के 85 या 86 वाले पॉइंट में जो आमने सामने है। और अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है कनेक्शंस का, सिर्फ हमें एक ये जो वायर हमारी रिले के पास बची है ब्लैक वाली और दूसरी हॉर्न का नेगेटिव, इनको ज्वाइन कर देंगे हम लाइक दिस और इसको किसी भी बॉडी पार्ट पे कर देंगे अर्थ। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये वायर ब्लैक वाली और ये ब्लैक वाली वायर मैंने वाइट वायर से एक्सटेंड करके यहाँ पे अर्थ दे दी है। सो एट दी एंड हमें करना ये है कि सारे कनेक्शंस को कर लेना, टेप रिले के ऊपर लगा देंगे टेप और ये जो हमारा टॉगल स्विच है इसका हैंडल और नट उतार के हमें यहाँ पे होल पे लगा देना है। आप कहीं पे भी होल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो फटाफट मैं इसको करता हूँ पैक, फिर आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़। अब मैंने सारा कुछ कर लिया पैक और आराम से फिट हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था बैटरी वाली पत्ती के ऊपर फिट करूँगा इसको, मैंने इसको फंसा दिया टेम्परेरीली। सो अब हमें अपनी की ऑन करनी है और आप देख सकते हैं हमारा जो टॉगल स्विच है वो एक साइड पे है, ये हमारा स्टॉक ऑन बज रहा है। अब इसको मैं करूँगा दूसरी साइड पे और एंड इट इज़ वेरी 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 लाउड। सो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने अपने एक्टिवा में डॉग हॉर्न इंस्टॉल किया, ये बहुत ही ज्यादा लाउड है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया साउंड है इसकी, बहुत ज्यादा डराने वाली है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑल दी क्वेश्चंस। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहीं पे लाइव आता हूँ, सारे Q&A वहीं पे होते हैं। और अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में।